ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫਰੈਂਡ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਤੋ ਐਂਡ ਵਟਸ ਦੈਟ ਕਿਆ ਇਹ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਬਣਾ ਦੀ ਓ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਦ ਸਕੂਲ ਓ ਅੱਛਾ ਤੋ ਅੱਜ ਬੂਆ ਕਿਆ ਦਿਖਾਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਅੱਜ ਹਮ ਕੁਝ ਦਿਖਾਣੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਆਏ ਹੋਏ एक मिनट लॉग हो गया बर्फ देखो पता नहीं वाइट वाइट नहीं ये बर्फ देखो हमारे घर के अंदर आ रही है बर्फ की तबाही बची हुई है दिल साज पैर मार इधर पैर मार मारना पैर थोड़ा सा मार दे बुआ आप मारो ਮਨਸਹਿਜ ਭਾਜੀ ਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜੀ ਆਹਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੁਆ ਕੋ ਭੇਜਣਾ ਤਾ ਪਰ ਮਨਸਹਿਜ ਭਾਜੀ ਰੇਡੀ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਗੋ ਇੰਡੋ ਦਾ ਬਸ ਯਹਾਂ ਖੜੋ ਹਾਂ ਮਨਸਹਿਜ ਗੋਇੰਗ ਇਨਸਾਈਡ ਬਾਏ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਸਟੈਪ ਓਏ ਬੋਲ ਦੀ ਪੈ Yes, yes, yes. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Masaj, piche gir. Masaj, piche ki taraf gir. Pura. Dead fall, yaar. Karna, yaar. Fir isi. Karu. Yeah. Masaj, make a snow angel. One, two. Masaj, go dead fall. दिल साज क्या कह रही है मेक अ स्नो एंजल सो मन साज हाउ यू फीलिंग नाउ ये दिल साज ने क्या करा अपनी डॉल चल मन साज आ जाए जल्दी जाना रन कर वो तो ठीक है मेरे को लगता है स्नो ब्लोअर ही ऑन करना पड़ेगा बहुत ज्यादा यार यहाँ तो पता नहीं अभी ये वाइट वाइट आप लोगों को कितना नजर आएगा कितना नहीं नजर आएगा ये पोच भी दिखा आज हालत खराब है नहीं तो ब्लोवर ऑन कर दिया जी आपको आवाज बहुत आ रही होगी इससे साफ करते हैं आज पहली बार मैं उस घर में तो बड़ी बार करा पर आप लोगों के सामने पहली बार सिमरन Thank you.
तो जी स्नो इतनी है कि उड़ा के फेंकू किधर, ये भी नहीं समझ आ रही। अब बस दीदी को छोड़ने जाना है। थोड़ी सी मैंने गाड़ी आगे करके देखी है, गाड़ी चली तो गई है रोड पे, वापस आएगी नहीं आएगी नहीं पता, पर दीदी को टाइम पे पहुंचा दें। फंस गए तो वहीं बैठे रहेंगे अंदर ही, गाड़ी में पेट्रोल आधी टैंकी है, कोई ना कोई बचाने आ ही जाएगा। बहुत ही हालत खराब है सामने देखो। दिस इज नो स्टॉर्म स्टार्म। सिमरन सामान वगैरह अंदर कर चुकी है, हम चलते हैं सब। आज तो भाई गॉड की कसम भी पड़ी है, मेन रोड एक बार साफ हो चुकी है, बट स्टिल अभी उसके ऊपर इस कॉटन के ऊपर हम लोगों ने ना ऐसा फिसलता जाना है। चलो तो जी दीदी को हमने पहुंचाना था कहीं पे 1 बजे, और 1:03 हो चुके हैं। वैसे तो बता दें आप लोगों को, पता नहीं पता है नहीं पता, सबको बता रहे हैं कि दीदी ने यहाँ पर आके जॉब शुरू कर ली थी, और दीदी की जॉब सुबह 11 बजे शुरू होती है। आज क्योंकि स्टॉर्म था तो इनको कॉल आ गई कि 11 ना आके 1 बजे स्टोर ओपन करना है। तो ये पिज़्ज़ा स्टोर है, वहाँ पर जॉब करती है। दीदी कैसा मजा आ रहा है वहाँ पे पिज़्ज़ा स्टोर? मजा तो आ रहा है, बट आज तो आज तो देखो यार, बार बार मैं आपको दिखा रहा हूँ, सब जगह चिट्टाई चिट्टा कोहराम हुआ पड़ा है, रोड पे कोई भी नहीं है, हम तो ही हैं। बट फिर भी चलो, क्योंकि शी इज द ओनली एम्प्लॉई ओवर देयर राइट नाउ। दूसरी एम्प्लॉई भी है, वो शाम के टाइम आती है, बट ओनली ऑन वीकेंड्स। स्टोर तो खोलना जरूरी है। ठीक है जी, सफाई करने करने में इतना टाइम लग गया कि लेट हो गया, बट दैट्स ओके, इतना तो चलता है आज के दिन। आज हर कोई लेट हो रहा है। वो देखो जी बस भी चल रही है, पता नहीं आपको नजर आ रही है नहीं आ रही, सिटी बस भी चल रही है पर खाली हो गई है। कुछ लोग नजर आ रहे हैं वैसे, तो जितनी पड़ी हुई है वो इधर से उधर होगी, इसलिए लोग अभी सफाई ज्यादा भी नहीं कर रहे। अभी तो एक और बहुत बड़ा टास्क बाकी है, कल क्योंकि दीदी की छुट्टी थी, संडे को दीदी की छुट्टी होती है, तो कल जो एम्प्लॉय थे वहां पे उन्होंने चाबी कहीं पे रखी होती है, अब नहीं बताते, पर अब वो चाबी ढूंढनी है इतनी बर्फ के अंदर, और मैं नहीं उतरूंगा, अब मैं पंगा पूरा पूरा बदला लूंगा, अब मुझे ढूंढनी पड़ेगी, अब वो दीदी को ढूंढनी है। मजा करेंगे मजा। वो हो राजी एक्सप्रेस पिज्जा हाउस, वहां पे दीदी जॉब करती है, हमारे घर से सिर्फ 1 डब्बा। गाड़ी में स्नो टायर्स लगाए हुए हैं और अभी नए लगाए हैं। एक्चुअल में बर्फ ही इतनी ज़्यादा है कि टर्न के टाइम बड़ा ध्यान देना पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि सारे प्लीज़ ज़रा इन विंटर टायर्स वगैरह पे ध्यान दें। हम सोचते हैं ऑल सीज़न टायर आर गुड इनफ, बट नहीं, ऐसी सी चीज़ों में एक बस ऐसा सा स्टॉर्म और आपके पैसे पूरे पड़ जाते हैं अगर आपके विंटर टायर लगे हैं तो। और अगर गलती से स्नो टायर नहीं है और कुछ कुछ हो गया तो बस हालत ऐसी की तैसी हो जाती है। तो मैं जी अभी घर सीधा नहीं जा रहा, पहले अपने फ्रेंड के घर जा रहा हूँ, सनी के घर। उसका अभी स्नो ब्लोवर है, पर उसके स्नो ब्लोवर आई थिंक वो फर्स्ट टाइम यूज करने लगा, आई एम नॉट श्योर,
फर्स्ट टाइम है या क्या है, उसके अंदर ऑयल कम है, तो जो इंजन ऑयल होता है, तो वो मेरे पास पड़ा था क्योंकि ट्रक का सेपरेट हमेशा पड़ा होता है। तो कह रहा है कि ड्राइववे पे इतनी स्नो है कि मैं गाड़ी बाहर नहीं निकाल सक रहा, तो जब तक स्नो नहीं मूव करूँगा, तो मेरी गाड़ी बाहर खड़ी थी आपने देखा ही है, तो बस वही उसके पास जा रहा हूँ उसको इंजन ऑयल पकड़ाने के लिए। अगर उसको कोई सफाई सफुई के लिए भी हेल्प चाहिए होगी तो हम कर देंगे, दैट्स इट। बहुत हालत खराब हुई पड़ी है ऑन्टारियो में, ब्रैम्पटन साइड, ये टोरंटो वगैरह में इतने ज़्यादा स्टॉर्म्स नहीं आते, हर विंटर में एक या दो स्टॉर्म आते हैं, हम लोगों को मतलब वो एक दो दिन जो होते हैं बहुत बेकार से होते हैं, तो ये वन ऑफ दोज डेज है। काम शाम तो सब चल रहे हैं आपको पता है, सस्काचवान वगैरह जाओ, कैलगरी जाओ, इससे कहीं गुना ज़्यादा की बर्फ़ पड़ रही होती है, उनके तो 10-10, 15-15 मीटर स्टॉर्म्स के आते हैं। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के आजकल वीडियोस देख रहा हूँ कि भाई पूरा पूरा डोर भरा हुआ है, तो बट स्टिल हर प्रोविंस की अपनी अपनी होती है, हम लोग इस हिसाब से जी रहे हैं, वो लोग इस हिसाब से जी रहे हैं, बट आज खतरनाक वाला काम हो रहा है क्योंकि ब्लोइंग विंड है। नॉट श्योर आप लोग देख पाओगे, ब्लोइंग विंड बहुत मतलब सीधा नीचे नहीं कर रही और साइडवेज जा रही है, क्योंकि हवा भी चल रही है साथ में, तो ये थोड़ी सी खतरनाक होती है। वो रे सन्नी भाई इनको हम इंजन ऑयल पकड़ा भाई आज मजा आ गया, आज मजा आ गया, आज पूरा फोर व्हील ड्राइव का मजा आ रहा है। साइड पर जी टेस्ला भी रुकी हुई है, फंसी हुई है, और गाड़ियां भी, चलो डॉज डूज तो होती फंसने के लिए हैं, वो तो फंसी हुई हैं, पर जो हालत गलियों के अंदर हुई पड़ी है भाई, गड़म जी आ गया है आज, कोई दिक्कत नहीं हो रही गाड़ी में, पूरी है शां शां करके निकल रही है। बस अपना बड़े वाला ट्रिप सून रेडी, जल्दी करेंगे। घर आ गए जी, वापस ये अपनी गली में घुस रहे हैं, एंड अपनी गली में घुस के जो गाड़ियों से रास्ते निशान पड़े हैं वहां से लोग वॉक कर रहे हैं, क्योंकि वॉक की और कोई जगह ही नहीं है। सुबह से कर रहे हैं जी साफ, सुबह पहले करी थी साफ, अब फिर शाम को लगे हुए हैं साफ करने में क्योंकि सिटी वाले आए सारी रोड साफ करके, बट यहाँ पर ढेर लगा के सबके घर के आगे देख लो पहाड़ कितने बन गए, उन्होंने सबके लिए करना था ना, पहाड़ बन गए बड़े तगड़े। अब ये चाहूँ तो मैं गाड़ी इसके ऊपर से टपा नहीं सकता, हालत खराब है, एक गाड़ी अंदर खड़ी है एक गाड़ी बाहर है, साह साह हो गए इसके ऊपर तो ये मशीन भी नहीं चल रही। सिमरन जा रही है जी, सिमरन जा रही है जी गाड़ी लेके, कहाँ जा रही है सिमरन? सरप्राइज सरप्राइज बस सिमरन को जाना था, मेरे को बाहर निकाला है इसने, हाँ कि उस साइड से गाड़ी निकलनी नहीं थी, और बैग सारा साफ करा, क्लीन करा, साफ साफ हो गया। अब ये गाड़ी हटेगी तो यहाँ से भी थोड़ी सी बर्फ बर्फ साफ करते हैं, देखते हैं क्या हाल है। ये बहन जी साल में एक दो दफा ही काम आती हैं, पर जिस दिन काम आती है उस दिन पूरे पैसे वसूल हो जाते हैं। अब यहां से गाड़ी हटी है, ये वाला एरिया थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी ऑलरेडी खड़ी थी तो यहाँ पे इतनी जमी नहीं है, और यहाँ आगे जम गई, यहाँ से क्लीन करने का इतना फ़ायदा नहीं है, अपने आप ही बिगड़ेगी, तो यहाँ से उठाऊँगा तो डालूँगा कहाँ पे, सही नहीं समझ आ रही। लेट्स सी ऑफर द पैड, काफ़ी हद तक जी यहाँ पे भी साफ़ कर दिया, हाँ काफ़ी, वहाँ पे दो पाइप्स आपको दिख रही हैं, वो
वो भी ब्लॉक हुई थी, उनको भी क्लियर करा है। यहाँ से थोड़ा साफ कर दिया, सांस सड़की बड़ी तगड़ी। बस अब ये सॉल्ट का पैकेट है, ये हम ड्राइववे पे फेंक देंगे थोड़ा बहुत, ताकि जितनी ये नीचे आईसीआईसी बनी हुई है ये सारी थोड़ी पिघल जाएगी होपफुली। इससे बढ़िया वाला पैकेट भी आता है, बट मैं जब लेने गया था तो मेरे को वो वाला मिला नहीं, तो यही वाला ले लिया। जो वाइट पैकेट होता है दैट्स बेस्ट, ये इसमें चूरा ज़्यादा होता है, सॉल्ट कम होता है। Happy birthday, dear Dadi. Happy birthday to you. Dadi, 1, 2? Hmm. 1, 2? She's old. She's one? She's so old. Yes. Okay. Okay, now you feed her. You better call it. पहले दादी को खिलाते हैं जिसका बर्थडे होता है। पर होल्ड, होल्ड। मनसाज को आदा ही थी प्लीज। हेलो